करो, वॉल्वो में दे रखे सारे लाइट, पैसे दे रखे पिलर वाली लाइट। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय मॉर्निंग ओयो। और सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, रेडी हो चुका हूँ। और आज है थर्सडे, तो आज येलो पहन लिया फाइनली बहुत टाइम बाद। तो अभी फिलहाल ब्रेकफास्ट करना है और घर में जरा शरद की पूजा, पहले शरद की पूजा करनी है और ब्रेकफास्ट करके ऑफिस पहुँचना है। ऑफिस पहुँचेंगे फिर देखते हैं क्या शेड्यूल रहता है। देख, दिन में जाना एक दो काम है तो वहाँ निकल जाऊँगा वो काम करके, उसके बाद कहीं और निकलने का कुछ अभी प्लान कुछ डिसाइडेड है नहीं। जैसा होगा निकलूंगा, नहीं तो फिर इवनिंग बातचीत करने निकलूंगा। और आज देखता हूँ मंदिर भी जाना है, मंदिर भी होके आऊँगा। तो जैसा होगा शेड्यूल बनाएंगे, करेंगे जो भी पॉसिबिलिटी होगी जैसे कोई। तो फिलहाल चलता हूँ और करते हैं जो भी काम करने हैं, उसके बाद ऑफिस पहुँचते हैं, फिर बनाते हैं शेड्यूल, निकलते हैं और फिर बातचीत करते हैं। भाई अभी निकला जा रहा किसी काम से और जाना तो दिन में था लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया निकलने में। इवनिंग होने वाली है, जब आते आते अंधेरा हो ही जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। 5:30 बज रहे हैं, 5:30 के आसपास का टाइम हो रहा है, 5:20 मतलब। पेट्रोल की लाइट जली हुई है, पेट्रोल डलवाना है। अब भाई इस रूट पर जिस रूट पर जा रहे हैं उस पर पेट्रोल पंप पे नहीं आएगा, तो देखता हूँ वापसी में डलवा लेंगे भाई पेट्रोल। फिलहाल मैं पहुँच जाए जिस काम से आ रहा हूँ, दो काम है। आओ बीच में आओ, पहले दो काम है, दोनों काम करके ये ओके, फिर देखते हैं उसके अलावा कब निकलना है, कहाँ निकलना है। इवनिंग में देखते हैं फिर शेड्यूल होगा। अब रेड लाइट हो रही है, वो भी लंबी वाली होती है भाई रेड लाइट, वेट करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। मैं उड़ा के निकाल लूँ भाई साहब, बहुत टाइम की रेड लाइट है, तो भी वेट करो भी तो बहुत देर तक खड़े रहो यहाँ पे। चलो भाई वेट करके फिर चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं बाद में दोबारा। चलो भाई निकल गया, ग्रीन हो गई थी, थोड़ा सा वेट तो करना ही पड़ा। मौसम ठीक हो रहा है, मतलब बारिश जैसा हो रहा था पहले, बट अभी तो नॉर्मल है। धूप जल्दी चली गई आज बारिश की वजह से। पहले तो आया था नोटिफिकेशन में तो भाई वेदर का कि भाई बारिश आएगी आज 50% चांस है, बट कुछ भी रहेगा वो आई नहीं। आगे भी चले जाए जल्दी से पहुँचना हो यहाँ रेड होगी उससे पहले। रेड होगी उससे पहले पहुंच जाऊंगा, पहले ऑरेंज हो गई है तो सारे बेटा रेड ही हूँ मैं, जल्दी आने की जरूरत नहीं है क्योंकि निकल नहीं पाओगे। कोई नहीं भाई, वेट करते हैं, बहुत क्या करेंगे। चलो भाई निकल गया, ग्रीन हो गई थी, मैं सबसे आगे होकर भी पीछे रह गया, तो क्या बात है, फिर कोई अड़ गया था मेरे आगे इसलिए लेट निकल पाया मैं। भाई अभी तक तो 11 दिन काम वाम जो हो रहे हैं टाइमिंग के अकॉर्डिंग चल रहे हैं काम की। इसके अलावा देखते और क्या काम आता है। कल जरा निकलना है किसी काम से, देखता हूँ किस टाइम निकलूँगा वहाँ के लिए और किस टाइम तक वापस आ पाऊँगा। कुछ कह नहीं सकता भाई कितना टाइम लगेगा। लॉन्ग रूट है कल वाला भी। आगे देखते हैं और कहाँ कहाँ कैसे क्या बनेगा। नेक्स्ट वीक भी थोड़ा सा शेड्यूल बिजी वाला ही मान लो। सबको रुकवा दिया क्या भाई, कर ले दो मुझे तो। बारिश आनी है तो आ जाए यार, बारिश का कुछ का वेट कर रही है बारिश की। बारिश वारिश आया है, थोड़ा सा मौसम और बढ़िया और गर्मी हो गई, क्योंकि 2-3 दिन से दोबारा से गर्मी हो गई है पहले वाली। तो चलो भैया मैं भी जरा पहुँचता हूँ, काम करते हैं,
फिर काम जब करके फिर आपसे बातचीत करेंगे। भाई जिस काम से आया था वहाँ से फ्री होकर निकल गया हूँ, और देख लो भाई सामने से ग्रीन हुई है, लोग राइट में कितने लगा लेते हैं, अब जान लग गया आप हम भी नहीं निकल पाए। वहाँ से गाड़ी वाले ने बता दी कि चलो मैं भी निकल जाऊँगा वैसी गंगा में, हाथ धोलूँ मैं भी वैग में डालने तो अलग ही हाथ कर दी, ग्रीन होने वाली है बस ये देखो काम बता दी बाकी गाड़ी। और बीच में लगा दो पता नहीं कहाँ गए भाई साहब, देखो घूम रहे हैं इधर। अरे ट्रैफिक संभाला तुम्हारे जॉब क्या है, ट्रैफिक संभालना वो ही मोड़ लिया, मैं तो खेल ही नहीं रहा, मैं हुई नहीं इस खेल में, ये खेल रहे हैं अकेले ही अंकल भी सही बढ़िया है भाई, पुलिस वाले भी अपना पल्ला झाड़ लिया, मैं खेल ही नहीं रहा था, मेरे को पता ही नहीं क्या हो रहा है, मैं नहीं हूँ भाई, मैं नहीं खेल रहा इनके पास, गंदे बच्चे अकेले खेल रहे तो इनको। हाँ भाई भाई रेड लाइट एक जगह से निकले नहीं, दूसरी रेड लाइट पहले तैयार रहती है, अब यहाँ वेट करना पड़ेगा। चलो भैया निकल गए ग्रीन हो गई और आप पहुँचेंगे जल्दी से आगे, अभी रास्ते में एक छोटा सा काम है सोचा वो काम करते हुए चलूँ, पास में एक छोटा सा काम कर लेते हैं भाई वो भी, और उसके अलावा वो ऑफिस पहुँचे यहाँ कुछ ज़्यादा ही टाइम लगेगा, मेरे को पता था मैंने बताया था ना कि हो ही जाएगी नाइट तो हो ही जाएगी मुझे निकलने में, तो यहाँ पे एक छोटा सा काम है वो कर लेता हूँ, ऊपर के फिर पहुँचते हैं जरा घर और देखते हैं क्या शेड्यूल बनता है। पहले तो ऑफिस जाऊँगा, ऑफिस में छोटे मोटे जो काम होंगे करके उसके बाद घर पहुँचेंगे भाई, तो चलते हैं ज़रा कर लेते पहले वाला काम फिर बातचीत करते दोबारा कंटिन्यू। तो भाई दूसरे काम से फ्री हो गया हूँ और अब वापस निकल गया हूँ घर के लिए, ज़्यादा सीधा घर जाना है, आगे ग्रीन है लाइट तो अच्छी बात है, ग्रीन मिल गई है अभी तक लाइट थी लेकिन अभी ग्रीन हो गई है, ग्रीन में वैसे रेड लाइट क्रॉस क्लियर होना पड़े तो आगे भी ट्रैफिक लग तो रहे लेकिन कम लग रहा है, बाकी आगे जाके पता चलेगा भाई कितना ट्रैफिक है क्या माहौल है ट्रैफिक का। आज वैसे तो थर्सडे है अभी चलो ट्रैफिक अच्छी बात है कम है, सही में कम है ट्रैफिक, मज़ा आ गया जो भाई ट्रैफिक कम है, तो बहुत देर लग जाती मुझे यहाँ पर, अभी भी थोड़ी सी दिक्कत तो है लेकिन फिर भी ठीक है जितना ट्रैफिक तो चलता है, जब मैं कितनी बार फुट से जाता हूँ तो ट्रैफिक से बहुत दूर तक होता है भाई, ये तो बहुत कम है भाई बहुत है, अभी लग रहा था ना वो कम है, ट्रैफिक पूरा है अच्छा खासा ट्रैफिक है अभी, कोई बात नहीं चलेंगे चुपचाप लाइन से यही कर सकते हैं और कुछ है नहीं, चुपचाप पीछे पीछे चलते रहो और निकल जाओ जब तक निकल पाओगे। लंबा ट्रैफिक होता जब होता भाई यहाँ पे, तो चलो भाई चलो स्कूटर बाइक है तो निकल भी जाते हैं भाई, गाड़ी वाले तो अटक ही जाते हैं, गाड़ी वाले को पूरी जगह चाहिए गाड़ी निकालने की, स्कूटर बाइक से जहाँ मर्जी से निकाल लो साइड वाइड से ऐसे ऐसे निकाल लो और लाइन में लग जाओ, तो थोड़ा सा रास्ता क्रॉस हो भी जाता है, अब बाइक को भी ऐसे भी सर्विस देना पड़ेगा फिलहाल, तो उसमें भी पेट्रोल डलवाना है, अच्छा जाम लंबा नहीं मिला पता चला ख़त्म नहीं हुआ था, वह ख़त्म तो नहीं होगा इतना तो है भाई, बट फिर भी अपनी सेफ साइड लेके चलेंगे ना, अब आगे पेट्रोल पम्प पड़ेगा घर के पास वहीं से डलवाऊँगा। चलो इतना तो क्रॉस हुआ, ये रूट आ गया अन पर्वत वाला रूट यहाँ से ज्वाइंट हो जाता है तो थोड़ा ट्रैफिक और बढ़ जाता है यहाँ पर, अब लग जाओ लाइन भाई दोबारा से
धीरे धीरे करके आगे तो पहुँच ही जाएंगे। ये आ गई वॉल्वो V40 तो फर्स्ट टाइम ले गया यहाँ ने। छोटी कार हो वॉल्वो में दे रखे सारी लाइट्स ऐसे दे रखी है, पिलर वाली लाइट्स, लाइट्स की लुक सारी ऐसी दे रखी है गाड़ी। लेकिन कुछ खास नहीं लग रही, वो बात अलग है, जान तो होगी गाड़ी में, ऐसी बात नहीं जानना हो, लेकिन कुछ खास लुक नहीं आ रही, व्हील नहीं आ रही। चलो भाई चलो, बस वाले ने खींच ली, अरे ऑटो वाले ने काम करा रखा है, अब ऑटो बीच में लगा के। रुक जाओ भाई, कोई आ रहा है क्या वहाँ से, निकाल लो भाई, कोई नहीं आ रहा तो बढ़िया हो जाएगा। क्या चला रखा है ये बैटरी वाली बस में भी इतनी आवाज़, मुँह का मक्खी पता नहीं क्या चला रखा है ऐसा इसके अंदर, कोई अलग ही ऐसी चला रखा है क्या भाई बस के अंदर। चलो भाई अब राइट ले लिया फाइनली, काम से निकल ही गए भाई कैसे जैसे जैसे करके, इतना टाइम सोचा था उससे कम ही लगा सर जी, मैंने सोचा तो बहुत ज़्यादा टाइम था कि बहुत टाइम लग जाएगा। चलो भाई जल्दी चलो, क्या चाह रहे हैं, जगह खाली पड़े लेकिन चला नहीं पा रहे लोग बस। सोच सोच के देंगे कि देंगे या ना देंगे, बिजली खर्च हो जाएगी मेरी, बैटरी खर्च हो जाएगी, ये कहाँ जा रहा है, ये भी चीज से चलते हैं, बैटरी रिक्शे वालों का अलग ही स्वैग रहता है हमेशा, काम ही लगी तैयारी चालू हो गई है भाई, लाइट वेट लगना चालू हो गई है, अब नवरात्रों में ना फिरना चालू हो जाएगी, काम मेला देखो इंजॉय करो, मेला इंजॉय करो, तो मेला एंजॉय करना होता है बच्चों को घुमाने लिया, सही है। चलो भाई अब मैं भी पहुँचता हूँ जरा, पेट्रोल वेट्रोल डलवा के घर पहुँचते हैं, नेक्स्ट रखते हैं आप ड्राइवर पीछे इंजन की, अब ऑफिस तो जाऊँगा नहीं, लेट हो गया हूँ, तो सीधा घर चलते हैं। तो भाई जहाँ गया था वहाँ से आ गया था भाई, वगैरह पार्क कर दी है अब, और चाय पहले भी ली थी, तो अब बस डिनर वगैरह करके रेस्ट करना है, व्लॉग एडिट करना है, भाई कल का शेड्यूल देखते हैं कल किस टाइम कब कहाँ निकलना होगा, काम तो है, काम से जाना है, देखता हूँ किस टाइम निकलूंगा, तो चलते हैं फिलहाल करते हैं इस ब्लॉग को एंड, कल मिलेंगे नए व्लॉग करने वाले, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब नहीं जाने, कल मिलते हैं, बाय।